सितंबर 2022 फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दी एक PIL। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इस PIL में ये कहा गया कि संस्कृत को बनाया जाए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब क्या है ये केस, आइए देखते हैं। केस है DG वंजारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। DG वंजारा एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और एक लॉयर हैं। इन्होंने कोर्ट में एक डिमांड रखी है जिसमें कहा गया है संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। इस केस में दो जज थे, जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी। अब कोर्ट और DG वंजारा के बीच क्या बात हुई, आइए आपको बताते हैं। कोर्ट ने DG वंजारा से कहा संस्कृत में एक लाइन सुनाओ। बेंच ने सवाल किया भारत में कितने शहरों में संस्कृत बोली जाती है। कोर्ट ने कहा यह एक नीतिगत फैसला है जिसके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है, लेकिन इस पर बहस करने का सही मंच संसद है। उसके बाद कोर्ट ने संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की याचिका खारिज कर दी। 2021 में फॉर्मर चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी ने कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे। आपकी क्या राय है, क्या संस्कृत को डिक्लेयर कर देना चाहिए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो सब्सक्राइब कर देना हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।